हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा पैराबोला के बारे में और एक प्रॉपर रिवीजन लेके चलेंगे हम। तो इस सेशन में हम बात करेंगे पैराबोला के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा फटाफट एक बार रिवीजन कर देंगे और देन उसके बाद उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें इस सेशन हम बात क्या करेंगे बेटा, इस सेशन हम बात करेंगे आपका प्रॉपर एक रिवीजन। क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन होगा कुछ। एंड सेकंड बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम्स, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला, जो कि बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है बेटा, कि पहला कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं कि जनरली आपको मालूम है कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा पैराबोला के केस में? वन होती है। और जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? पीएम लिखते हैं, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। पैराबोला की जो कंडीशन हम लोग लेते हैं वो पैराबोला कुछ इस टाइप से ग्राफ लेते हैं, दिस वन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जहाँ पर ये इक्वेशन जो होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होती है 4ax होती है, ठीक है। और पी एस इज इक्वल टू पी एम का मतलब क्या है कि आपके पास ये पॉइंट पी होता है और एस पॉइंट इज आर फोकस, और पी एम मतलब आप किसी भी डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स पर, इसे क्या कहते थे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ दैट इज अ पी एम, तो पी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी एम होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस होता है फर्स्ट का। सेकंड केस आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर इस केस में डेल, डेल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 नहीं है और देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया गया है, तो ये इक्वेशन जो होती है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया गया है, तो इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि इस ग्राफ में क्या क्या कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम इस पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन, दिस वन ऑलवेज पासेस टू द ओरिजिन, इस पॉइंट वर्टेक्स बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। एक पॉइंट होता है एस दैट इज अ फोकस, ए कॉमा 0 होता है, ठीक है। लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। और इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा? यहां पे माइनस का ए आती है, दिस वन इज डिफाइंड एज अ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। ये पॉइंट पी मान लीजिए, पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ठीक है। अगर फोकस एस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बेटा, तो इसे क्या कहते थे? लेटस रेक्टम, और इसका पॉइंट होता था एल और एल डैश होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं, और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से होते वो ए कमा 2a होता है और ए कमा माइनस 2a होता है। और लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। और जो भी इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं बेटा, पता है आपको फोकस, और जो भी लाइन या कॉर्ड, इसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोल देंगे। जो भी कॉर्ड फोकस से पास होगा इसे हम बोलते हैं बेटा फोकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें एक टर्म और आता है बेटा डबल ऑर्डिनेट का, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट का टर्म भी आपको पता होना चाहिए
मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस जो है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। और डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला। तो देख एक चीज ध्यान रखिएगा, एक परपेंडिकुलर क्या होता है, लेटर रेक्टम होता है, और दूसरा कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया जाए जो कि फोकस से पास नहीं हो रहा है तो इसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसे मान लीजिए डी है और ये डी डैश है। तो ये इसकी बेसिक कंडीशंस होती है बेटा पैराबोला के लिए। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, तो डिफरेंट फॉर्म्स भी देख लेते हैं जल्दी से इन चीज़ों को। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है बेटा, एक तो अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, एक्स डैश हो गया बेटा, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्स इज इक्वल टू ए होती है, और फोकस क्या होता है बेटा माइनस का ए कॉमा जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं बेटा, अगर मान लीजिए एक्स वाई इज अ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इस केस में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होती है। जब एक्स में स्क्वायर है तो वाई के अबाउट सिमेट्री होती है, ठीक है। और इस केस में इसका जो फोकस होगा वो होगा जीरो कमा ए, और डायरेक्ट्रिक्स बेटा वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस का ए, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, डाउनवर्ड की कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये डाउनवर्ड हो गया, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इस केस को आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई हो जाएगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बेटा वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगी, और इसका फोकस होगा जीरो कामा माइनस ए होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ को देख करके, इक्वेशन को देख करके आपको ग्राफ की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ग्राफ किस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक्सिस, तो मान लीजिए एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है। तो जो इक्वेशन है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होती है, ठीक है। इस केस में आपका जो ग्राफ बनाया था अभी हम लोगों ने, वो ओरिजिन से पास करा दिया था, कहाँ से पास कराया था, ओरिजिन से। लेकिन अगर इसी केस को इस टाइप से देख लिया जाए कि ओरिजिन से पास ना हो रहा हो, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और पैराबोला का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बट नॉट पासेज थ्रू द ओरिजिन, इस समय ये वर्टेक्स हो गया बेटा, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। अगर ये वर्टेक्स की वैल्यू जो है एच कॉमा के है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, और ओरिजिन जब शिफ्ट होता है तो वाई की जगह वाई माइनस का के होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस का एच होता है। और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आप इसका फोकस और इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, ओके। सिमिलरली बात करें इसी में कि अगर मान लीजिए इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होती, तो इस समय क्या होता कि हमें क्या करना होता, एक्स माइनस का एच होल स्क्वायर होता और इज इक्वल टू होता फोर ए वाई माइनस का के हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। जब वर्टेक्स कहाँ हो जाता है, एच कॉमा के पर हो जाता। अब कुछ ग्राफ इस टाइप से बन जाता है, इसका वाई हो जाता, एक्स हो जाता, और ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाता बेटा आपका एच कॉमा के, ठीक है ना, ये वर्टेक्स हो जाता, और इसके अकॉर्डिंग आपको फोकस और इसके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करनी होती है। तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये सारे के सारे, क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। जनरल फॉर्म के बारे में हमने बता दिया आपको कि अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा तो क्या हो जाएगा, उस समय पैराबोला का केस हो जाएगा इन अ जनरल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते बेटा, सी सेक्शन के बारे में बात कर लेते। कि मान लीजिए अगर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इस केस में हम बात करते हैं पी एस इज इक्वल टू पी एम के बारे में। अब आप समझते हैं ये कि मान लीजिए अगर कोई पैराबोला दिया गया है जिसकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मतलब हमने कुछ एक लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर ली, दिस वन एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और ये आपका पैराबोला हो जाता है जिसका वर्टेक्स आपका ये दिया गया है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए बेटा आपको दी गई है ए एक्स प्लस या एल एक्स प्लस
एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो दी गई है, फोकस आपको दिया गया बेटा एच कमा के दिया गया है, तो फिर से वही काम करना बेटा, पी एस इज इक्वल टू पी एम करना होता है, ये पी दिया गया है और ये एम दिया गया है, तो पी एस, पी एस का मतलब पी का पॉइंट क्या हो सकता है बेटा एक्स वाई हम लोग एज्यूम करते हैं, और इस केस में इसकी इक्वेशन लिखते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से पी एस की वैल्यू निकाल लो बेटा, वाई माइनस का के होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बेटा, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए होता है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस एन डिवाइड बाई एक्स वाई कोएफिशिएंट बेटा होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस पी एस स्क्वायर, क्योंकि रूट में होना चाहिए था, स्क्वायर कर लिया है। तो ये इसकी बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है कि अगर एक्सिस पैरेलल अगर नहीं है तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे सिक्स पार्ट की, ठीक है। सिक्स पार्ट में क्या कर लेते हैं, हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, पैरामेट्रिक फॉर्म्स। बहुत सिंपल सा केस है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है, तो इसकी पैरामेट्रिक हम लोग एज्यूम क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा, ए टी स्क्वायर और टू ए टी होती थी एक्स एंड वाई की वैल्यू। इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर माइनस का फोर ए एक्स होता तो हम लोग क्या कर लेते, एक्स की जगह माइनस का ए टी स्क्वायर कर लेते और वाई की जगह टू ए टी कर देते, एक्स निगेटिव हो जाता तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, ठीक है ना, वाई आ जाता आपके पास। ठीक है, चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकते हैं बेटा, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होता तो देखिए एक्स वाई इंटरचेंज हो गए, एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए, तो एक्स वाई को इंटरचेंज कीजिए, यहाँ पे आ जाता 280 और यहाँ आ जाता 80 स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पे भी कर सकते थे, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई होता तो इस केस में क्या हो जाता बेटा, 280 हो जाता माइनस का, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती 280 हो जाती और वाई की वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर हो जाती, क्योंकि माइनस से ये प्लस आ जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ों को ध्यान रखना, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, कभी भी पैराबोला पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट आपको एज्यूम करना होता है तो आप उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं। ओके, नाउ सेवन्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सेवन्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि पॉइंट की पोजिशन के बारे में बात करते हैं बेटा, पोजिशन ऑफ पॉइंट के बारे में, तो पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। पोजिशन ऑफ पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कोई एक पैराबोला दिया गया है, एस एज्यूम कर लिया बेटा, इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिया, और पॉइंट आपको दिया गया एक्स वन कमा वाई वन दिया गया है, तो पॉइंट जो होता है वो इनसाइड कब लाइक करता है, जब आप पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ से, वाई वन माइनस का फोर ए एक्स वन, और अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट जो होगा वो इनसाइड होगा, ग्रेटर जीरो है तो ये हमेशा आउटसाइड होता है, और इक्वल टू जीरो है तो ऑन द पैराबोला होता है। तो ये पोजिशन ऑफ पॉइंट होता है, किसी भी पॉइंट की पोजिशन अगर पैराबोला के रिस्पेक्ट में चेक करनी है तो आप इस टाइप से इसे चेक कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें, एक रिवीजन पोर्शन होता बेटा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करें बेटा क्वेश्चन पार्ट एट के बारे में, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एट पॉइंट, हमने बात कर दी बेटा पॉइंट ऑफ पोजिशन ऑफ पॉइंट के बारे में, अब बात करते हैं इसके बाद का जो आर्टिकल होता है, दैट इज अ कंडीशन फॉर टेंजेंसी का केस आता है बेटा, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, अगर मान लीजिए कभी भी पैराबोला वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, लाइन जो है ना ये लाइन टच कर रही है, टच द पैराबोला वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो हमेशा ऐसे केसेज में अगर मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन कोई भी हो, कोई भी इक्वेशन हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई हो जाए, तो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो क्या करना होता है बेटा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एम एक्स प्लस का सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लेना है। ठीक है, यहाँ से एक्स की क्वाड्रेटिक मिल जाती है बेटा, देखिएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का टू एम सी एक्स माइनस फोर ए एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से अगर एक्स की क्वाड्रेटिक है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमन ले लिया जाए बेटा, तो टू एम सी माइनस फोर ए प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा।
अब देखिए क्या होता है, पैराबोला को टच कर दी बेटा, ये पैराबोला है आपका और इस पैराबोला को कोई लाइन टच कर दी, ये लाइन टच कर दी, तो टच करेगी तो केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, और जब भी पॉइंट पे टच करेगी तो सिंगल रूट होंगे, और सिंगल रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब दिस स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर टू कॉमन ले लीजिए तो फोर तो बाहर हो गया, एम सी माइनस का टू ए होल स्क्वायर, ठीक है ना, टू कॉमन निकाला बेटा यहाँ से, ध्यान रखिएगा, माइनस का फोर, ए की वैल्यू होगी एम स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फोर को कैंसिल आउट कर दिया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए एम सी माइनस का फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है जीरो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे फोर है, सॉरी फोर तो कैंसिल हो चुका था, ये फोर कैंसिल हो चुका था बेटा, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर फोर ए कॉमन निकाल लिया आपने तो आपको मिलेगा ए माइनस का एम सी मिल जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू देखेंगे तो ए बाय एम निकलेगी, ठीक है ना, सी की वैल्यू, इसका मतलब है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का ए बाय एम बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा हमने, वाई इज इक्वल टू लिखा है एम एक्स प्लस का सी की जगह ए बाय एम बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और एक चीज़ समझिएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स होती है क्योंकि यहाँ से m की क्वाड्रेटिक बनती है और m के दो रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप पॉइंट टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, तो यह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब कंडीशन फॉर टेंजेंट्स, ये कंडीशन हो गई, ठीक है, कंडीशन हो गई, और ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसे बोलते हैं बेटा स्लोप फॉर्म, क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म बोल देते हैं, तो इसको अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे इसे अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए यही जो पॉइंट है, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए किसी भी पैराबोला पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए एच कॉमा के से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, एच कॉमा के से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अब टेंजेंट की इक्वेशन जो है आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, एच कॉमा के से पास हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देते बेटा कि इसको सब्सटीट्यूट कर देते, के इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, एम एच लिख दिया प्लस का ए बाई एम लिख दिया, ठीक ना, अब इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो एम के इज इक्वल टू आता है एम स्क्वायर एच प्लस का ए आ जाएगा, एम की क्वाड्रेटिक आ गई बेटा क्योंकि एच और के क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एच के से पास हो रहा है, तो एम स्क्वायर एच माइनस का एम के प्लस ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, तो एम वन प्लस एम टू के बारे में बात करें, तो एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एम प्लस एम टू की वैल्यू के बाई एच आ जाएगी, ठीक है ना, और एम वन एम टू की वैल्यू आ जानी चाहिए ए बाई सी बाई ए होगी ना बेटा, सी ए अपॉन एच आ जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, तो एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के बाई एच आ गई है, और एम एन एम टू की वैल्यू ए बाई एच आ गई। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो टेंजेंट्स हैं इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो 90 डिग्री है तो बेटा क्या आ जाना चाहिए, एम एन एम टू की वैल्यू माइनस वन, इसका मतलब ये हो गया कि ए अपॉन एच की वैल्यू आएगी माइनस वन, मतलब एक्स की एच की वैल्यू आएगी माइनस ए। अगर हम इसके लोकस के बारे में बात करते हैं, लोकस तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, और माइनस ए क्या था बेटा, माइनस ए तो डायरेक्ट्रिक्स होता है, माइनस ए क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है, तो अगर माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स है तो ये जो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट्स हैव एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक ना, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर देते हैं बेटा,
कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स पे ट्राई कर रहा है, ठीक ना। और इसके बाद बात आती है बेटा एंगल निकालने की भी, तो एंगल भी आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसमें बी सेक्शन के बारे में बात कर लें कि टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको कभी भी निकालनी है तो सिंपल सा केस होता है बेटा, इन रूट आप क्या कर लेंगे, आप एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का फोर एम वन एम टू कर लीजिए, क्योंकि एम वन माइनस एम टू हो जाएगा, और डिवाइड बाई कर लीजिए वन प्लस का एम वन एम टू। अगर आप ये कर लेते हैं और यहाँ से वैल्यू को उठा करके सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स मिल जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए तो ये बात होगी बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि फोकल कॉर्ड की कंडीशन के बारे में, कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। फोकल कॉर्ड, अगर मान लीजिए किसी भी पैराबोला के ये फोकस है बेटा, फोकस है तो फोकल कॉर्ड होगी, ठीक ना। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट जो है वो टी वन है। अब टी वन का मतलब समझिएगा, टी वन का मतलब हमेशा बेटा इस टाइप से होता है, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, इस चीज को समझेंगे। ये हो गया ए टी टू स्क्वायर और टू ए टी टू। अगर एंड पॉइंट टी वन और टी टू है, टी वन एंड टी टू है, और ये फोकल कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये होता है कि टी वन और टी टू का मल्टीप्लीकेशन बेटा माइनस का वन होता है। हम यहाँ पे इसे डिराइव नहीं करते हैं, ठीक ना, सिंपल सा है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पी क्यू की, पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आप इसको सॉल्व कर, विच पासिंग थ्रू द सॉरी फोकस, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ जाती है आपके पास, ये कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड होती है टी वन टी टू के केस में। तो अगर ऐसा केस है तो अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बारे में कभी भी बात की जाए, एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, तो आप सिंपल सा करेंगे बेटा ए टी स्क्वायर टू ए टी, और यहाँ पे बात करेंगे जब तो टी टू की जगह पे माइनस का वन बाई टी करेंगे, तो ए बाई टी स्क्वायर करेंगे और माइनस का टू ए बाई टी कर देंगे, तो ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ बेटा, बात करें क्वेश्चन पॉइंट नंबर टेन के बारे में, और टेंथ नंबर कंडीशन बता देते बेटा कि हम लोग बात करेंगे अब टेंजेंट के बारे में, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट की जो कंडीशन हम बताने जा रहे बेटा, एक तो होती है पॉइंट फॉर्म, एक क्या होती है पॉइंट फॉर्म होती है। और पॉइंट फॉर्म में क्या करना होता है आपको, सिंपल सा केस है बेटा, बहुत सिंपल सा होता है कि कोई भी इक्वेशन दे दी जाए आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास जो जनरल इक्वेशन दी जाए या कोई भी इक्वेशन दी जाए, तो आप करना क्या है कि जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर मिलता है वहाँ पे आप एक्स एक्स वन पुट कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का मतलब यहाँ पे एक्स वन और वाई वन लिया हुआ है। वाई स्क्वायर की जगह आपको वाई वाई वन सब्सटीट्यूट करना होता है, एक्स की जगह पे आपको एक्स प्लस एक्स वन बाई टू सब्सटीट्यूट करना है, एंड वाई की जगह आपको वाई प्लस का वाई वन बाई टू सब्सटीट्यूट कर देना है। और जब भी आप ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। अब जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए आपकी इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स दी गई, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इज इक्वल टू फोर ए एक्स की जगह पे क्या करना है बेटा, एक्स प्लस का एक्स वन बाई टू कर देना है। तो इसे अगर कैलकुलेट कर दिया आपने तो वाई वाई वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए एक्स प्लस का एक्स वन आ जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी आपकी, सिंपल। दूसरी चीज, अब इक्वेशन कोई भी हो, ध्यान रखना है कि आपको इस टाइप से सब्सटीट्यूट कर लेना होता है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक में भी पॉइंट ही होता है पैरामेट्रिक। अब पैरामेट्रिक में पॉइंट क्या होता है, ए टी स्क्वायर और टू ए टी, तो ये अब एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, तो इसके जब पुट करेंगे तो आता है वाई टी इज इक्वल टू आता है एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक ना। और सी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, सी पॉइंट होता है बेटा आपका स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, स्लोप फॉर्म क्या था बेटा, वाई इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो जब भी स्लोप के अकॉर्डिंग बात करनी होती है तो आपको इसे यूज करना होता है, ठीक है ना। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म के बारे में बात होगी। अब इसी केस में हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, कि यह मान लीजिए टेंजेंट है किसी भी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, जिसका एंड पॉइंट टी वन और टी टू दिया गया बेटा, और इसके एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना।
और टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है बेटा वो होता है ए टी वन टी टू एंड टू ए टी वन प्लस टी टू होता है। आपको करना क्या बेटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, वाई टी वन इज इक्वल टू आएगा आपके पास एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर और वाई टी टू इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होते, अगर ये पॉइंट क्या होता, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होते, समझिएगा फोकल कॉर्ड अगर होती तो टी वन टी टू की वैल्यू क्या होती बेटा, माइनस का वन होती और उस केस में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वो हो जाता बेटा माइनस का ए और कॉमा टू ए टी वन प्लस का टी टू, हमने इसको एज इट इज रखा है अभी, ठीक है ना। मतलब एक्स की जो वैल्यू होती माइनस से होती, एक्स की वैल्यू अगर माइनस से होती तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होता, लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता, ठीक है ना। ये कंडीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का केस हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हमने बात किसकी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट फॉर्म निकालना होता है इसमें बेटा, पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हैं, पॉइंट फॉर्म होता है बेटा y माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस का y1 बाई टू ए एक्स माइनस का x1 होता है, ठीक है ना। अब ये सब कंडीशंस आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए और अगर नहीं भी याद है तो बहुत सिंपल तरीका बेटा कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कैसे, सिंपल सी कंडीशन बता देता हूँ बेटा, कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई वाई वाई वन, ध्यान से देखिएगा बेटा, वाई वाई वन इज इक्वल टू दिया गया टू ए एक्स प्लस का टू ए एक्स वन दिया गया है, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो दी गई है आपके पास वह टू ए एक्स, ध्यान से देखिएगा, माइनस वाई वाई वन प्लस टू ए एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो एक्स वन और वाई का कॉफिशेंट इंटरचेंज होगा बेटा, एक्स वाई का कॉफिशेंट इंटरचेंज कीजिए तो एक्स के साथ क्या आएगा बेटा, वाई वन आ जाएगा और प्लस आ जाएगा टू ए वाई और प्लस आप क्या देखते थे बेटा लैम्डा, ठीक है ना। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कहाँ से पास हो बेटा, नॉर्मल भी तो वहीं से पास हो रही होगी ना, जैसे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया था जिस पॉइंट पर वहीं पर नॉर्मल भी है तो इसी पॉइंट से पास होगा। और पॉइंट क्या था बेटा, एक्स वन वाई वन, तो अब पुट कर दीजिए बेटा एक्स वन वाई वन, तो यहाँ पे आएगा वाई वन एक्स वन प्लस का टू ए वाई वन इज इक्वल टू आएगा माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, ध्यान से देखिएगा, वाई वन एक्स हो गया बेटा प्लस का टू ए वाई हो गया और माइनस का आएगा बेटा एक्स वन वाई वन और माइनस टू ए वाई वन इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। अब देखिएगा यहाँ से वाई वन कॉमन ले सकते हैं आप, तो वाई वन अगर कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया बेटा एक्स वन माइनस का टू ए। एक काम करते हैं, वाई वन को हम यहाँ से अगर कॉमन ले दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यह आएगा एक्स माइनस का एक्स वन आ जाएगा बेटा और यहाँ से अगर टू ए कॉमन ले लिया प्लस का टू ए कॉमन ले लिया तो वाई माइनस का वाई वन आ गया इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का वाई वन बाई टू आ जाएगा, तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में तरीका है जो कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में हेल्प कर देगा किसी भी कंडीशन के बारे में, क्योंकि कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर देते बेटा, एक पॉइंट फॉर्म हो गया बेटा, अब बात करेंगे हम लोग स्लोप फॉर्म के बारे में, एक मिनट, स्लोप फॉर्म के बारे में, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म की इक्वेशन जो होती है बेटा, वाई इज इक्वल टू होता है एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है वो सी की वैल्यू आई है, तो कंडीशन फॉर नॉर्मल के बारे में बात होगी तो सी की वैल्यू होगी माइनस का टू ए एम माइनस ए एम क्यूब होगी। अब क्यूब रूट है तो ऑब्वियस सी बात है कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, थ्री नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, और थ्री नॉर्मल्स ड्रॉ होते थे तो आपको पता होना चाहिए था
कि यहाँ पे थ्री नॉर्मल्स मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दिए, एक नॉर्मल आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया और तीसरा नॉर्मल आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो अगर ये एक पॉइंट से पास होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते थे को नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू होती है बेटा, अगर मान लीजिए एच कॉमा के है, तो एच की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज भी ग्रेटर टू ए होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए इस पॉइंट ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट जो है जहाँ पे हमने नॉर्मल स्टॉक किए हैं, इन तीनों पॉइंट को लेकर के अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर दें, ध्यान से देखिएगा, तीनों पॉइंट को लेकर के हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ए बी सी को लेकर के ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है बेटा, सेंट्रॉइड ट्रायंगल ए बी सी ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया बेटा स्लोप फॉर्म के बारे में, और इसका हमने बात कर लिया को नॉर्मल पॉइंट के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब एक कंडीशन और देख लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के बारे में बात आती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात आती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है। तो एक चीज़ समझिएगा, वाई वाई वन इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था बेटा, टू ए एक्स प्लस का एक्स वन लिखा था, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई भी लाइन जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच कर दिया, क्या टच कर दिया बेटा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टच कर दिया। तो अगर टच कर दी, तो किसी पॉइंट पे टच कर दी, तो मान लीजिए एक्स वन कमा वाई वन टच कर दी है, ठीक है ना। तो अब एक्स वन कमा वाई वन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपके पास ये हो जाएगी, और ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, कॉमन होनी चाहिए, और कॉमन होंगी तो क्या होगा, उनके कोएफिशिएंट्स को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लेके चलना होता है। तो देखिएगा ध्यान से, टू ए एक्स माइनस का वाई वाई वन, ठीक है, और माइनस प्लस का ये लिख लिया टू ए एक्स वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। और यहाँ पे अगर देखें, यह क्या बेटा एम एक्स हो गया माइनस वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। आप कंपेयर करेंगे बेटा एक्स का कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, सॉरी टू ए एक्स हो गया बेटा, और वाई वाई वन हो गया और कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट, तो क्या आ गया बेटा, टू ए अपॉन एम हो गया इजिकल टू वाई का कोएफिशिएंट हो गया बेटा वाई वन अपॉन वन हो गया, क्योंकि माइनस का ही लगा हुआ है। अब कांस्टेंट के केस में बेटा टू ए एक्स वन अपॉन में सी आ गया, ठीक है ना। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो बेटा एक्स वन की जो वैल्यू आएगी, एक्स वन की तो क्या आएगी बेटा, सी बाई एम आ जाएगी, एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, सी बाई एम आ जाएगी, और वाई वन की वैल्यू क्या है बेटा, टू ए बाई एम है। तो ये जो होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। और एम की वैल्यू क्या होती है बेटा, एम की वैल्यू होती है ए बाई एम होती है, सॉरी सी की वैल्यू होती है ए बाई एम, सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए बाई एम होती है। तो आप अगर चाहें तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए बाई एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं टू ए बाई एम लिख सकते हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया बेटा आपके, आपको किस टाइप से उसको टैकल करना होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। और ये जो 13 पॉइंट्स के बारे में हमने बात की है, अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से देख लेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में, तो आपको कहीं कोई समस्या आएगी नहीं, फिलहाल मेंस लेवल में, ठीक है ना। एडवांस लेवल के बारे में हम बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि एडवांस में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और एडवांस में एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है कि एडवांस में कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो प्योर पैराबोला का नहीं आता है, प्योर सर्कल का नहीं आता है। जब भी एडवांस का क्वेश्चन आएगा, वो सर्कल पैराबोला, सर्कल एलिप्स, सर्कल हाइपरबोला या पैराबोला एलिप्स, ये सब मिक्सअप के क्वेश्चंस होते हैं जब भी एडवांस के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है बेटा। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, ठीक है। तो आई होप आप इस सेशन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं वो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस वन विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द सर्कल दिस, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट्स सेंटर एट पी इज। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि आपके पास पैराबोला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या।
क्वेश्चन में एक चीज़ में ये दिया गया बेटा, एक पैराबोला है आपके पास, इस टाइप से आपको एक पैराबोला दिया गया है और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया गया है, ठीक है ना। इस पर कोई पॉइंट दिया गया बेटा, इस पर कोई पॉइंट है पी। अब ये पॉइंट पी है तो इसका मतलब है वेरिएबल पॉइंट है। अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे 4ax से, तो यहाँ से a की वजह आपको 2 मिल जाएगी। तो हम पॉइंट को क्या लिखेंगे बेटा, 2t² लिखेंगे और क्या लिखेंगे 80² और 280। तो 280 का मतलब 40 लिख दिया, कोई समस्या तो नहीं, ये होगी ठीक है। अब ये जो है इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस, एक सर्कल दिया गया बेटा जिसकी एक रेडियस जो दी गई है 1 दी गई है, हमने कुछ स्टेप से सर्कल ड्रा कर दिया बिकॉज इसका जो सेंटर है वो 0, -6 पे है। सी क्या बेटा, 0, -6 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो डिस्टेंस मिनिमम है। अब डिस्टेंस मिनिमम है तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, आपको मैक्सिमम मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस निकालते तो हम इसके बीच की डिस्टेंस के लिए लिखते बेटा कैपिटल डी इज इक्वल टू, मैंने लिखा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन रूट ऑफ 2t² माइनस का 0 होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4t⁴ आ जाएगा, प्लस 4t² प्लस का 6 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपको मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है, तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना है, रूट दिया हो बेटा तो हम एक काम करते हैं, इसको टाइम रिड्यूस मेथड्स को यूज़ कर लेते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं इसका। तो ये 4t⁴ हो गया प्लस का, ये हो गया 4t² प्लस का 6 का स्क्वायर हो गया। सो वी गेट आफ्टर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये जाएगा बेटा 16t³ हो जाएगा और प्लस का आएगा 2 times 4t² और प्लस का 6 हो गया, और 4t² का क्या है बेटा 8t आ जाएगा, 4t² का क्या है बेटा 8t आ जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। और इज इक्वल टू क्या करना बेटा, 0 करना है, तो 16t गायब करें, टी गायब करें, 16t का गायब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा t² आ जाएगा और प्लस का, ध्यान से देखिए 16t गायब हो गया, ये 4t² आ गया प्लस का 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, 16t गायब किया बेटा यहाँ से, ठीक है ना। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि एक मिनट सॉरी, 4t प्लस का 6 बेटा, ये 4t प्लस का 6 है, 4t प्लस का 6 है, 4t है, और 4t का क्या आएगा बेटा 4 आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये स्टेप थोड़ी सी गलत हो गई है। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पे काम करना है, 40 कॉमन ले सकते, ध्यान से देखिएगा 40 कॉमन ले सकते, 4 क्या 80 कॉमन ले सकते, 80 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 2t² आ जाएगा, ठीक ना, क्या आएगा बेटा 2t² आ जाएगा, और यहाँ से 80 कॉमन ले लिया है तो प्लस का 40 आएगा और प्लस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है ना। अब बात आती है कि अभी भी देखो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 40 का बेटा 4 होगा ना, t³ होगा, इजिक्वल टू 0 हो गया बेटा, 8 गायब हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा t³ + 2t + 3 इजिक्वल टू 0 हो जाएगा, और t की अगर आप वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो t की वैल्यू आपको यहाँ से -1 मिल जाएगी, और t की वैल्यू जैसे ही आपको -1 मिल गई तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी बेटा, -1 के केस में यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी -4। ये पॉइंट आ गया बेटा, इस पॉइंट को सेंटर मानना है, इस पॉइंट को क्या करना है सेंटर लेना है और इससे पास करना है। तो रेडियस देख लेते हैं, रेडियस आपकी आ जाएगी इन रूट ऑफ 2 - 0 मतलब ये हो जाएगा 4 और प्लस का -4 और माइनस का 6 मतलब प्लस का 2 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब ये √8 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एक्स माइनस का 2² हो गया बेटा, सेंटर 2 है, प्लस वाई और प्लस का 4² इज इक्वल टू r² का मतलब हो गया बेटा आपके पास 8 आ गया है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो x² प्लस का y² माइनस का 4x प्लस 8y, ठीक ना, और प्लस 4 और प्लस का 16, 20 और 8 12 हो जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे चेक कर लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, तो -4x + 8y + 12, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ किया गया है, ठीक है, तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये कंडीशन हम लोगों ने यूज़ की ना बेटा, वेरिएबल पॉइंट की कंडीशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वेरिएबल पॉइंट की कंडीशन को यूज़ करना। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। इफ ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 8y,
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स में स्क्वायर, तो वाई की बॉट समेट थी, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, वर्टेक्स है, सॉरी यहाँ पे वर्टेक्स है, और इस पर कोई क्यूब पॉइंट दिया गया बेटा, क्यूब पॉइंट। तो क्यूब पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, इसके लिए क्या एज्यूम करते हैं, पैराबोला है, एज्यूम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 280 और 80 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेरिएबल इंटरचेंज हो गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y दिया गया है। ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी बेटा 2, ये हो गया 4t और ये हो गया 2t स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। पी इफ द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ओ की, ओ क्यू लाइन सेगमेंट है जिसको एक पी पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 1 और 3 के रेशियो में, 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ पी के बारे में बात की, तो बेटा ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट पी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, पॉइंट पी होगा एच कमा के, और एच कमा के की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो सेक्स ऑफ फॉर्मनेस निकाल सकते हैं, ये 0 0 हो गया, तो 3 के साथ 0 हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा केस क्या हो गया बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो गया 4t डिवाइड बाय आपके पास आ गया 4, 1 + 3। और 80 स्क्वायर केस में बेटा 280 स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या आ गया 4 आ गया, इसका मतलब हो गया एच की वैल्यू आ गया आपके पास टी, एच की वैल्यू क्या आ गई टी आ गई, और के की वैल्यू आ गया आपके पास टी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब है कि के की जो वैल्यू है टी पुट कर दिया तो एच स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया आपके पास 2k, तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या गया बेटा 2y आ गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, समझ में आ रही ना बात। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y बेटा ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन आ जाएगा, तरीका समझ में आ रहा होगा। लोकस निकालना था, सिंपल सा लोकस हमने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें बेटा, हम आसान था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम टाइप का ही है बेटा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया, देखो ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट एक्स वाई दिया गया है, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो आपने कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया पी एक्स कमा वाई एज्यूम कर लिया। अब एक्स कमा वाई का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्स कमा वाई का मतलब हो गया आपका 80 स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या बेटा 1, तो टी स्क्वायर और 2t 280 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक ना, एक्स वाई की वैल्यू। पी बी द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू एक्स वाई, ओरिजिन से एक्स वाई को डिवाइड करा कोई पॉइंट, ठीक है ना, एनी पॉइंट आता पहला पर। और पी जो है, सर ये पी नहीं है बेटा, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, और पी यहाँ पर दिया गया है, पी पॉइंट क्या है 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका लोकस निकालना है बेटा, एच कमा के की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो सर प्रीवियस क्वेश्चन किया था बेटा हम लोग, उसी टाइप से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एच की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, एच की जो वैल्यू आएगी वो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, सॉरी 1 मल्टीप्लाई एक्स साथ और 3 मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स बाई 4 हो गया, एक्स बाई 4 का मतलब टी स्क्वायर बाई 4, ठीक ना। और के की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2t बाई 4 हो जाएगा, सेम मैनर, तो t बाई क्या आ गया 2 आ गया, और t की वैल्यू 2k हो गई, तो h की जो वैल्यू हो गई 1/4, और t स्क्वायर की बात करें तो 4k स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू h हो गया, मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है ना। सेम तरीका था बेटा, तो ये इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास, ओके। नेक्स्ट देख लिया बेटा हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई इज इक्वल टू एक्स, समझिएगा बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ये जो है कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब ये हो गया आपका दिस टाइप, ठीक है ना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ठीक है, और ये एक्सिस है पैराबोला की। वर्टेक्स एंड फोकस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 and √2, वर्टेक्स √2 डिस्टेंस पे, इसे हम वर्टेक्स लिख देते हैं, और फोकस है √2 डिस्टेंस पे, फोकस एफ लिख दिया, ठीक है ना। तो वर्टेक्स हमेशा फोकस को कवर करता था, हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस लिया है, देन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन, तो यहाँ से देखिए बेटा ये √2 डिस्टेंस है। अब √2 डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो ये वर्टेक्स हो गया वो 1 कमा 1 हो गया, ठीक है ना।
और ये जो डिस्टेंस है वो रूट टू है, तो इसका मतलब है ये टू होगा, और हाइट भी क्या होगी, टू होगी, तो ये टू कामा टू होगा, फोकस हो गया, ठीक ना। अगर ये वन कामा वन पे है बेटा, ये टू कामा टू पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रूट टू है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रूट टू है। वर्टेक्स जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। बेटा क्या हो गया, ये वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब सिंपल सा काम क्या करना है बेटा, अब सिंपल सा आपको काम क्या करना है कि आप अगर पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो सीधी सी बात है पी, और ये हो गया पॉइंट एस हो गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, पी एम कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बेसिक वाला लग रहा है बेटा, ठीक ना, पी एस इज इक्वल टू क्या लग गया, पी एम लग गया। अब इसके बाद आप काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो पी का पॉइंट क्या होता है बेटा, एक्स वाई होता है, तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस का y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। पी एम मतलब बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाई रूट टू, और इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, और जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। तो देखें एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ से रूट टू है, तो टू हो जाएगा बेटा, तो टू यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक ना। माइनस का फोर एक्स होगा तो माइनस का एट एक्स कर देते हैं, ठीक ना। और प्लस का फोर आएगा तो फोर टू जा एट कर लेते हैं, और प्लस का इसी टाइप से आपने यहाँ लिखा टू वाई स्क्वायर, ठीक ना, प्लस फोर, तो प्लस का फोर का एट हो गया और माइनस एट वाई हो गया इज इक्वल टू आ गया बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इन सब सिस्टम को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। सिस्टम को ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ट्रांसफर करने पर, और माइनस का टू एक्स वाई, तो इसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो एट एक्स है, तो ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, तो एट एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो एट कॉमन हो गया, एक्स आ गया बेटा, वाई आ गया, और यहाँ पे प्लस का 16 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका सोलूशन निकल आना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा केस था बेटा, आपको सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करनी थी, पॉइंट अगर आपने निकाल लिया तो काम आपका बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा था, इसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट देखते बेटा, हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला, दिस इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स। बेटा क्या हो रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया जो कि फोकस और उस पैराबोला के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसके मिड पॉइंट का जो लोकस है वो क्या है, पैराबोला है, उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि पहला काम ये करना है कि हमें पैराबोला फाइंड आउट करना है, और देन उसके बाद हम उसकी डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर हमने पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है ना, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है, जिस पर कोई भी एक पॉइंट हमने एज्यूम किया, तो पॉइंट क्या होगा था बेटा, ए टी स्क्वायर और टू ए टी होगा, ठीक है ना। इसको अगर हमने फोकस के साथ ज्वाइन किया, फोकस का मतलब हो गया बेटा ए कमा जीरो, इसको ज्वाइन किया, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के बाद इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लीजिए एच कमा के है, इसका लोकस क्या बेटा, पैराबोला है। तो एच कमा के पहले निकाल लेते हैं, एच की वैल्यू क्या है बेटा, ए इन ब्रैकेट वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आ जाएगी, और के की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी ए टी, ठीक है ना। इसका मतलब है टी की जगह क्या लगा सकते हैं बेटा, के अपॉन ए लगा सकते हैं, और हमें जो वैल्यू मिल जानी चाहिए एच इज इक्वल टू मिल जाएगा, टू एच इज इक्वल टू मिल जाएगा ए इन ब्रैकेट वन प्लस एच की जगह पे टी की जगह क्या लगाना बेटा, के बाई ए लगाना है, तो वैल्यू आगे के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देयरफॉर वी गेट, यहाँ से देखिएगा टू एच ए लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया के स्क्वायर इज इक्वल टू, ट्रांसफर करते हैं इधर, तो देखो एच का कॉफिशियंट कॉमन लेना बेटा, टू ए कॉमन ले लिया, तो एच माइनस ए बाई टू आ गया आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अगर हम इसका लोकस के बारे में बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स माइनस ए बाई
टू आ गया, मतलब एक पैराबोला है, ठीक है ना। अगर हम इसे कंपेयर करें 4a से, तो 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें तो 2a आ गया, तो मतलब a की जो वैल्यू है दैट इज a बाई टू है, ठीक है। अगर इस पैराबोला को हम ड्रॉ करके देखें, ध्यान से देखिएगा, इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो इसका जो वर्टेक्स है बेटा वो a बाई टू है। वर्टेक्स क्या हो गया, a बाई टू हो गया। तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया a बाई टू कॉमा जीरो ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। a बाई टू ये वर्टेक्स हो गया, ध्यान से देखिएगा। और a बाई टू ए है, तो यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है फोकस की वो a होती है, तो a हो गया बेटा ये। तो ऑब्वियस सी बात है a बाई टू है, और a बाई टू अगर आगे करेंगे तो a कॉमा जीरो हो जाएगा, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है। ऐसे ही a बाई टू डिस्टेंस आपकी यहाँ होती है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब अगर ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, बेसिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो x इज इक्वल टू जीरो इज अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने इस टाइप का कम से कम 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। देख क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। देखिए बेटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन अगर y में स्क्वायर है, किसी एक वेरिएबल में स्क्वायर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, हम होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और देन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक ना। बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है, अब इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं पूछेगा अलग बात है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जैसे देखिए, वाई प्लस अगर हमने यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर किया तो आपको ये मिल जाना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y, और यहाँ पे माइनस का 4 करना पड़ेगा आपको, प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है बेटा, वाई प्लस 2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो माइनस का, इधर ट्रांसफर किया तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 2 है ना, तो माइनस 4x और ये आएगा प्लस का 2, इसका मतलब हो गया माइनस का 4 कॉमन ले लिया और वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना। मतलब ये जो ग्राफ है जिसका वर्टेक्स जो होना चाहिए था, वर्टेक्स क्या होना चाहिए बेटा, 1/2 एंड अ माइनस 2, और ग्राफ नेगेटिव में है बेटा, तो ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा होगा। तो इसको हम अगर ड्रॉ कर लें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस वन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई में स्क्वायर बेटा, तो एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी, मतलब एक्स के पैरेलल होनी चाहिए लाइन, और ये 0.1/2 कॉमा माइनस का 2 है, तो अब आपके पास जो 1/2 एंड माइनस 2 कहीं आएगा, वो यहाँ कहीं आना चाहिए, दिस पॉइंट, ठीक ना। और पैराबोला जो बनना चाहिए था वो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए था, अपोजिट बनना चाहिए था, ठीक ना। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो इसे अगर हम कंपेयर करें बेटा 4a से, तो 4a की वैल्यू 4 से कंपेयर होती, तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, 1/2 कॉमा माइनस का 2, ठीक है ना। अब आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया, तो डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस a होती है बेटा, a की वैल्यू कितनी, 1 है। तो अब इसी बात है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मूव करना है और 1 ऐड करना, तो 1 किस में ऐड होगा, x में ऐड होगा, तो 1/2 प्लस 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी बेटा, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगी। सो दिस इज अवर आंसर। डायरेक्ट्रिक्स निकालना, तो डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया आपने बेटा। फोकस पूछा जाता, तो आपको क्या करना था, चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन दिया गया, इफ द लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस वन, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स दिया गया, मतलब इज इक्वल टू हम कर सकते हैं के एक्स माइनस का 8 कर सकते हैं, और यहाँ से k को कॉमन निकालेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 बाई के हो गया, ठीक है ना। तो हम इसके वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, इसका वर्टेक्स क्या मिला बेटा, वर्टेक्स मिल गया 8 बाई के और 0 मिल गया। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ड्रॉ हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि वाई में स्क्वायर है तो एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा आपका वर्टेक्स 8 बाई के एंड 0 हो जाएगा, दिस वन वर्टेक्स।
अब अगर बात की जाए कि अगर हम इसके कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पे 4a होता है बेटा, 4a की वैल्यू आपको दे गई k, तो a की वैल्यू होगी k बाई 4, ठीक है ना। अब वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है बेटा, वो डिस्टेंस क्या होती है, a होती है। तो अगर हम इधर आते हैं तो a डिस्टेंस निगेटिव हो गया, मतलब 8 बाई k माइनस का k बाई 4 किया जाए तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो x इज इक्वल टू 1 लाइन होनी चाहिए थी। तो x इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 लाइन होनी चाहिए। अब इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 4k आ जाएगा और यहाँ से आएगा 32 माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1, मीन्स वैल्यू आ गई k स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बेटा, k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर देखें तो k प्लस का 8 आएगा और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके थ्रू आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 4 मिल जाएगी। तो ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो k की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए बेटा, 4 मिल जानी चाहिए। सिंपल सा है, ठीक ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट देख लेते बेटा हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। द कर्व डिस्क्राइब पैरामेट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या होता है कि जब थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कोई भी कंडीशन दी जाती है तो हमें क्या करना होता है, थर्ड वेरिएबल को इलिमिनेट करना होता है जिससे कि हमको इक्वेशन मिल जाती है एक्स एंड वाई के फॉर्म में। तो जैसे हमें यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन दी गई है, और वाई की जो वैल्यू दी गई दैट इज अ टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस वन दिया गया है। अब यहाँ से टी को इलिमिनेट करना, तो टी को इलिमिनेट करने के लिए हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अगर एक्स प्लस वाई कर ले बेटा, तो देखिए यहाँ पे अगर टू टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लें तो सब्सट्रैक्ट करने पर आपके पास ट्वाइस टी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब टी की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन बाई टू, और टी को हम यहाँ पे आकर के रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में आ जानी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई टू कर दिया बेटा, और यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन है तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो देखते हैं क्या आना चाहिए। यहाँ पे क्या बेटा, होल स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, फोर को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो टू से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आना चाहिए तो 4 यहाँ हो गया, और प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, इसे अरेंज कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x हो गया माइनस 2y हो गया, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये एक जनरल इक्वेशन बन गई बेटा, और जनरल इक्वेशन में हम करना क्या चाहिए, हमें डेल चेक करना होता है। डेल की वैल्यू अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी प्लस का 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसे चेक करना है। तो अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 1 है, एच की वैल्यू आपके पास माइनस 1 है, वी की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 है क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें बेटा, जी की वैल्यू माइनस का 1 हो गई, एफ की वैल्यू आपके पास माइनस 1 हो गई, और सी की वैल्यू हो गई 4। इस सारी वैल्यूज को हम अगर यहाँ पे पुट करें तो ए बी सी, ए बी सी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, एफ जी एच तो एफ जी और एच की वैल्यू अगर देखी जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, तो माइनस 1 मतलब माइनस का 2 हो जाएगी, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए और एफ स्क्वायर किया जाए तो 1 हो जाएगा बेटा, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस का 1 आ गई, ठीक है। बी जी स्क्वायर के बारे में बात करें तो बी जी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी बेटा, तो माइनस का 1 आ गई, और सी एच स्क्वायर देखा जाए तो सी एच स्क्वायर तो सी ये है बेटा आपके पास 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू 1 तो मतलब माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल की वैल्यू बेटा 0 नहीं आ रही है। अब 0 नहीं आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कॉनिक सेक्शन का पार्ट हो गया। अब कॉनिक सेक्शन का अगर पार्ट हो गया हमें करना क्या होता है, सिंपल सा बात है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी चेक कर लेते हैं। एच का स्क्वायर किया जाए तो एच का स्क्वायर बेटा क्या है, 1 है, और ए इंटू बी किया जाए तो भी 1 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी पैराबोला की, तो समझ में आ गया होगा। तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 9th जो दिया गया है वो दिया गया बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड द पैराबोला दिस इज,
कॉमन टेंजेंट के बारे में बात की बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जब कॉमन टेंजेंट के बारे में बात की जाती है। आपको सर्कल पैराबोला के साथ मैच करा दिया जाता है, सर्कल को इलिप्स के साथ मैच कराते हैं और सर्कल को ही आपको हाइपरबोला के साथ भी मैच करा दिया जाता है। अब ये जो मैचिंग वाला केस जो होता है ना बेटा, उसमें हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है कि आपका जो सर्कल है और जो पैराबोला है, इसकी कॉमन टेंजेंट निकालते कैसे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है बेटा, कि अगर हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, हम इसका क्या कर लेते हैं बेटा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो फिगर बनेगा बेटा, इक्वेशन जो दे रखी है वो कुछ आपकी स्टेप्स दे रखी है, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और जो इक्वेशन दी गई बेटा एक्स स्क्वायर, तो इसे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या बेटा, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो सिक्स एक्स आ जाएगा, तो प्लस आपको माइनस का नाइन करना पड़ेगा, तो प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, नाइन आ गया। मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर आपको मिल रहा है 3,0 एंड रेडियस की जो वैल्यू है बेटा 3 है। मतलब सर्कल का सेंटर जो है 3,0 है, और ये कहाँ से पास होगी बेटा, ये ओरिजिन से पास होगी, इस टाइप से कुछ सर्कल होंगी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है बेटा पैराबोला वाई स्क्वायर इजकल टू 4x दिया गया, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4x हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बात आपसे कही बेटा कॉमन टेंजेंट की, तो कॉमन टेंजेंट का मतलब हमने कुछ इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो कभी भी टेंजेंट के बारे में बात की जाए बेटा, तो टेंजेंट अगर आप जब निकाल रहे हैं ना, तो टेंजेंट हमेशा आप निकालेंगे कॉनिक सेक्शन का, किसका निकालेंगे, कॉनिक सेक्शन का। तो अगर हम टेंजेंट के बारे में बात करें बेटा, टेंजेंट, अब ये मुझे नहीं पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास सिंपल सा बेटा टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है, वाई इक्वल टू होता है बेटा एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो पैराबोला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो पैराबोला है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, मीन्स 1/m आ गया। मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आ गई वो आ गई एम एक्स माइनस वाई प्लस 1/m इज इक्वल टू 0। अब इसका फायदा क्या होता है, किसी भी कॉनिक सेक्शंस का आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे पैराबोला हो सकता था, एलिप्स हो सकता था और हाइपरबोला हो सकता था, तीनों ही कंडीशन में आप क्या करते हैं, कॉनिक सेक्शन का आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन क्या करना होता है, सिंपल सा काम। अब आपको बेटा सर्कल की सेंटर की इक्वेशन पता है, सेंटर के पॉइंट पता है, इस सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर की लेंथ निकालें टेंजेंट पर, तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो है ना टेंजेंट की इक्वेशन बेटा एम अननोन है, केवल क्या अननोन है, एम। और एम को निकालने का जो तरीका है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस बेटा, वो रेडियस एक्चुअल में 3 है सर्कल की रेडियस। अगर हम बात करें इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो बेटा 3,0 से, तो 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3m हो गया, वाई की जगह 0 हो गया बेटा, और प्लस 1/m हो गया, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का कॉफिशियंट बेटा एम का स्क्वायर हो गया, वाई का कॉफिशियंट बेटा 1 हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन करके एम की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो यहाँ अगर ड्राई इसे सॉल्व किया बेटा, तो 3 9m स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी कर दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बेटा, तो यहाँ से आएगा 9m स्क्वायर प्लस का आएगा 1/m स्क्वायर प्लस कितना डाउन चाहिए बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा, ट्रांसफर कर लीजिए तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/m स्क्वायर हो गया, मीन्स m की जो वैल्यू हो गई बेटा वो आ गई प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करनी है बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या बेटा, एम एक्स, एम का मतलब बेटा 1/√3x है, और प्लस 1/m तो मतलब √3 हो गया, एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो √3y इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे एक आंसर आपको मैच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा बेटा, हमेशा सर्कल के साथ मैं लिख देता हूँ बेटा, कोई भी कोण का सेक्शन आएगा तो हमेशा आप कोण के टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, कोण का टेंजेंट निकालेंगे, और देन आप सर्कल के साथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता है आपको, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं आती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। ओके बेटा, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करें तो बेटा, ओके, नाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन
एट 16,16 ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया गया बेटा, विच इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द पैराबोला एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी ए बी एंड एंगल सी पी बी इज इक्वल टू थीटा देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, समझते हो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो पैराबोला की इक्वेशन दी गई बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया 16x दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल सॉरी पैराबोला पर आपको दिया गया बेटा टेंजेंट, कोई एक पॉइंट ले लीजिए बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं 16,16 है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने टेंजेंट ड्रॉ की बेटा, सॉरी ये टेंजेंट होगी बेटा। ठीक है ना, ये आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और इसी पे हमने क्या कर दिया बेटा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये पैराबोला है। ठीक है, अब ये पॉइंट 16,16 है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट हो गया बेटा और ये हो गया नॉर्मल। इस टेंजेंट ने इसको ए पॉइंट पे कट किया और इसको बी पॉइंट पे कट किया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आपसे ये कहा गया है कि भाई एक आपको करना क्या बेटा, इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी ए बी, ये पॉइंट पी है बेटा, और पी ए बी से फॉर्म करते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते बेटा, कुछ सर्कल इस टाइप से ड्रॉ कर दिया हमने। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो अब आपको एक चीज तो पता है ना बेटा कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, तो सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है, तो ये सेंटर हो जाता है। अगर ये सेंटर मालूम हो जाए तो आपसे कहा क्या बेटा, आपको इसका एंगल निकालना है। ये तो निकलना बेटा, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये थीटा है सी पी बी। तो सिंपल सा क्या करेंगे, पॉइंट सी मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, और पॉइंट सी मिलने के लिए मुझे चाहिए क्या बेटा, पॉइंट ए निकालना पड़ेगा और पॉइंट बी निकालना पड़ेगा, और बी पॉइंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए और ए पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट कर लेते बेटा। वाई वाई वन इज इक्वल टू हो गया बेटा, क्या होगा 16x प्लस एक्स वन बाई टू हो गया, और पॉइंट आपको ऑलरेडी 16 दिया हुआ बेटा, तो 16y इज इक्वल टू आएगा आपके पास 16x प्लस 16 बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना, 16 कैंसिल कर दीजिए बेटा, तो इक्वेशन क्या होगा बेटा, 2y इज इक्वल टू हो गया x प्लस 16, और y की वैल्यू अगर 0 है तो x आपको मालूम हो गया, तो a का पॉइंट क्या हो गया बेटा, माइनस 16,0। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पता है तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो, हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी बेटा, हमें इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए बेटा। तो अगर परपेंडिकुलर का आपको निकालना है तो क्या कहते हैं, एक्स वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है, मतलब 2x प्लस वाई हो गया, और प्लस क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट की जगह लैम्डा लिखते हैं। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, पास हो रहा है 16:16 से, तो यहाँ पे 16:16 लगा दिया बेटा, तो कितना आ गया 32, और प्लस का 16 मतलब 48 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस 48। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2x प्लस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दिस केस y अगेन 0, सो वी गेट x इज इक्वल टू 24। तो x के लिए 24 आ गया बेटा, ये वैल्यू होगी 24,0। अब इन दोनों का मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो C पॉइंट क्या आएगा, C पॉइंट देखा जाए तो मिड पॉइंट 24 माइनस 16 8 बाई टू मतलब 4,0 हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया बेटा 4,0। अब सिंपल सा है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, PC का स्लोप। ठीक ना, क्योंकि एंगल निकालना है, तो स्लोप ऑफ PC, तो स्लोप ऑफ PC क्या होना चाहिए बेटा, वाई टू माइनस का वाई वन मतलब 16 डिवाइड बाई 16 माइनस का 4 मतलब 12 हो गया, दैट मीन्स वी गेट 4/3। ऐसे ही स्लोप ऑफ पी बी भी निकाल लेते हैं, तो देखा जाए वाई टू माइनस का वाई मतलब 16 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा बेटा, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस का 2 आ जाएगी। अब इसके बीच का एंगल निकालना, तो ये हो गया आपका एम वन हो गया, और ये हो गया आपका एम टू। चलिए तो टेन थीटा निकालते बेटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन मतलब 4/3 माइनस एम टू मतलब प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 2 आ गया,
अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो कितना आएगा 6 + 4 = 10, 10/3 डिवाइड बाय 3 माइनस का 8 मतलब माइनस का 5/3 हो जाएगा बेटा, इतना मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू जानी चाहिए 2। तो 10 थीटा की जो वैल्यू है ना बेटा, वो वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिक्वेंशियल प्रोसेस बेटा, एक एक स्टेप सॉल्व करते चले जाइए, चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेटा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते बेटा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 11, लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की बेटा मिरर इमेज है सी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, आपको लाइन भी दे रखी है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन वाई इज इक्वल टू -5, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई बेटा, वो दी गई है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी गई बेटा 4x। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते बेटा, तो ये हो गया बेटा आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है ना, और ये पैराबोला जो है हमारा कुछ इस टाइप का बेटा, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा 4x दिया गया है, ठीक है ना। अब हमें जो लाइन दी गई बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू -4 कुछ इस टाइप से आएगी बेटा लाइन, ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इसकी मिरर इमेज निकाल दी, तो मिरर इमेज होगी कैसे, इस पर कोई पॉइंट एज्यूम कर दीजिए बेटा, कोई पॉइंट हमने एज्यूम कर दिया, मान लीजिए पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या हो सकता है एटी स्क्वायर बेटा, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर कॉमा ट्वाइस टी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी इमेज देखें तो इमेज कहीं यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, तो ये जो पैराबोला बनेगा बेटा, पैराबोला कुछ इस टाइप की हमें इमेज लग रही है, कि इस टाइप से कुछ इमेज इसकी आ जाएगी, देखो सिमेट्रिकल है ना बेटा इसका, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेशन में हमने ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाए, ये इक्वेशन मिल जाए, तो इस इक्वेशन को क्या कर दी बेटा, एक लाइन जो है ए बी, एक लाइन वाई इज इक्वल टू -5, ये लाइन है बेटा वाई इज इक्वल टू -5, इसने कट किया किस पॉइंट पर, ए और बी पर, ए बी पे कट कर दिया, तो हमें करना क्या बेटा, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी ए बी के बीच की। तो सिंपल सा है कि हमें पैराबोला की इक्वेशन पहली बात तो रिक्वायर्ड है, देन वाई इज इक्वल टू -5 हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देन हमें क्या मिलेगी बेटा एक्स की वैल्यू मिल सकती है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकलेगी, अब होता क्या है, किस पर हम कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते बेटा एच कॉमा के, क्या एज्यूम कर दिया बेटा एच कॉमा के एज्यूम कर दिया, ठीक है ना। अब हम इमेज के बारे में बात करने जा रहे बेटा, इस पॉइंट की जो पॉइंट पी की इमेज है, तो हम इमेज निकाल के देखते हैं जरा, इमेज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन क्या बेटा दिस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इमेज की फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या था बेटा, एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू होता था के माइनस का वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू होता है माइनस का 2 times ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है बेटा, तो बहुत अच्छे से याद रखिए इसे, तो आप बहुत सिंपल सा केस चलता बेटा, एच माइनस का एक्स वन की जो वैल्यू बेटा वो टी स्क्वायर है डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट बेटा 1 है इज इक्वल टू के माइनस का ट्वाइस टी हो गया बेटा अपॉन बी की वैल्यू भी 1 है इज इक्वल टू -2 times इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी गई बेटा एक्स प्लस वाई प्लस 4 है, तो एक्स वाई की जगह क्या पुट करना बेटा पॉइंट पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस टी और प्लस का 4 आ गया बेटा और डिवाइड बाई आ गया आपके पास ए इसका प्लस बी इसका मतलब 1 + 1 मतलब 2 आ गया, 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, एच माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस का टी स्क्वायर मतलब हो गया एच इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ऑफ ट्वाइस टी और माइनस ऑफ 4 हो गया एंड के इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 हो गया, ठीक है, एच के की वैल्यू आ गई बेटा। अब एच के लिए हम क्या कर लेते हैं बेटा, लोकस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा टी की वैल्यू निकालिए बेटा, तो यहाँ से आएगा एच प्लस 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू आ गया बेटा टी,
और टी को हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लिया, तो के इज इक्वल टू एट ऑफ माइनस ऑफ टी स्क्वायर, मतलब एच प्लस फोर बाई माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखिएगा बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो फोर आएगा, और फोर को हम इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो समझिएगा इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, के इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है माइनस का एच स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8H, ठीक है, डिवाइड बाय 4 माइनस 4। ठीक है, अब ये 4 16 हो गया, अब 4 यहाँ भेज देते हैं, 4 के इज इक्वल टू आ गया माइनस एच स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8H, और माइनस का क्या आ गया बेटा, माइनस का 16 हो गया। ठीक है, तो माइनस 32 हो जाएगा। अगर हम लोकस के बारे में बात करें बेटा, तो लोकस के बारे में बात करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x हो गया, ओके, माइनस 32 हो गया, तो ट्रांसफर कर दो बेटा, प्लस 32 हो जाएगा, और प्लस 4y हो गया, और प्लस 32 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, ये इक्वेशन अब पैराबोला होगी बेटा, जो हम लोगों ने इसे निकाला है। ठीक है ना, अब पैराबोला अगर हमारे पास आ चुकी है तो हम लोग को करना क्या बेटा, एक वाई इज इक्वल टू माइनस 5 लाइन इसे कट कर देंगे, तो कट करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 20 हो जाएगा बेटा, तो प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ से हमें अगर सॉल्व करना है तो एक्स प्लस का क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, और एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो एक्स की हो जाएगी बेटा माइनस का 6 और माइनस का 2 आ जाएगी। तो जो पॉइंट ए है बेटा वो पॉइंट माइनस का 6 कामा 0 हो सकता है, और जो पॉइंट बी है उसे हम माइनस 2 कामा 0 लिख सकते हैं, और ए बी के अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिस्टमेटिक है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें इमेज निकालनी है, लोकस फाइंड आउट करना है, और देन चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते बेटा। तो क्वेश्चन दिया गया बेटा, लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, समझिए बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया गया है, एंड पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड द गिवन पैराबोला, द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज, अब पी क्यू एस इज कहा गया, समझिएगा एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और जब भी एडवांस वगैरह क्वेश्चन होता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, हमेशा कोशिश ये कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि उनके क्वेश्चन को के लिए इक्वेशन के लिए ग्राफ जो बना देते हैं, तो ये जो ग्राफ है बेटा ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, समझिएगा ये इक्वेशन होगी बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की इक्वेशन होगी। और ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो कुछ इस टाइप से बेटा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए बेटा, प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम देखें बेटा प्लस वन होगा, प्लस का फोर मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब सेंटर जो हो गया इसका हो गया 1,2 हो गया, और रेडियस क्या हो गया बेटा, रूट 5 हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा 1,2 है, 1,2 है, तो 1,2 यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया बेटा, और सर्कल जो है वो हमेशा कहाँ से पास होता बेटा, ओरिजिन से पास होता, हमने कुछ सर्कल स्टेप्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, हमने सर्कल इस टाइप से कुछ ड्रा कर दिया बेटा, इससे थोड़ा सा एक काम करते हैं, इरेज कर सकते हैं, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, और इसको ड्रा कर दिया जाए। ये हो गया बेटा, ठीक है ना, अब इसने दो पॉइंट पर कट किया बेटा, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि द बी द कॉमन कॉर्ड, मतलब एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड द गिवन पैराबोला, कॉमन कॉर्ड के बारे में बात की गई बेटा। तो कॉमन कॉर्ड होगा कैसे, आपके पास क्या कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो सकती है बेटा, सीधी सी बात है पैराबोला और सर्कल ने एक दूसरे कट किया, तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी, ये कॉमन कॉर्ड हो गया ए बी। ठीक है, और इसने क्या कट किया बेटा, पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला, तो पी क्यू है बेटा ये एक्चुअली पी क्यू है। ठीक, अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड एस, एस बी द फोकस,
एस क्या बेटा फोकस है, फोकस क्या होगा बेटा इस इक्वेशन का, टू कामा जीरो होगा क्योंकि ए की वैल्यू क्या बेटा टू है, ठीक है, टू कामा जीरो तो पी क्यू एस, तो पी क्यू अगर मालूम हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो पी क्यू के क्या कर सकते हैं हम, पहला पता पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं बेटा, ए टी स्क्वायर मतलब ट्वाइस टी स्क्वायर एंड फोर टी हो जाएगा बेटा, ये वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा विच लाई ऑन द सर्कल। तो सिंपल सा है कि हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे बेटा और जिससे कि हमें वेरिएबल पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास फोर टी पावर फोर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा सिक्सटीन टी स्क्वायर हो गया, माइनस टू एक्स का मतलब हो गया बेटा फोर टी स्क्वायर और माइनस फोर वाई का मतलब हो गया सिक्सटीन टी इज इक्वल टू हो गया जीरो। ओके तो ये हो गया बेटा फोर टी पावर फोर और प्लस ट्वेल्व टी स्क्वायर और माइनस सिक्सटीन टी इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट 40 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हाँ मिलेगा बेटा क्या टी क्यूब मिलेगा और प्लस मिलेगा 3t और माइनस मिलेगा बेटा 4 इज इक्वल टू मिल जाएगा जीरो। तो टी की वैल्यू आइदर जीरो होगी और टी की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो बेटा माइनस हम पुट कर सकते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है बेटा प्लस हो जाएगी, तो दो वैल्यू हो जाएगी बेटा, टी की वैल्यू जीरो और वन हो जाएगी। अगर टी जीरो है तो जीरो जीरो हो गया बेटा ये, तो अगर वन है तो वन है तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा टू कामा फोर हो गया। अब बात की गई है कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास थ्री पॉइंट्स हैं बेटा, थ्री पॉइंट्स क्या हो गए पॉइंट्स हो गए आपके पास जीरो जीरो, दिन क्या हो गया बेटा दिन हो गया हमारे पास टू फोर और थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास फोकस टू कामा जीरो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा वन बाई टू इंटू जीरो जीरो वन टू फोर वन एंड टू जीरो वन। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वन बाई टू आ गया है और इन अ ब्रैकेट टू माइनस का एट मतलब क्या ये जीरो माइनस का एट हो गया तो माइनस का एट आ गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा मैग्नीट्यूड में है तो वैल्यू क्या बेटा फोर आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा फोर स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, तरीका समझ में आया बेटा, कॉमन कॉर्ड निकाला, कॉमन कॉर्ड के लिए हमने पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर दिया और ये दोनों पॉइंट को कट कर रहा था इसलिए हम लोगों ने पॉइंट को सेटिस्फाई करा करके टी की वैल्यू निकाली जिससे कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को इजीली फाइंड आउट कर लिया। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ओके बात करें बेटा द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टच द कर्व y इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा गया बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सिंपल से काम कर सकते बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया गया, इसका ग्राफ कुछ स्टेप्स देखते हैं, फोर माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा एक्स स्क्वायर है कुछ इस टाइप से होगा, ये कहाँ पर कट कर रहा है बेटा ये कट कर रहा है जीरो कामा फोर पर कट किया, ठीक है ना, क्योंकि एक्स अगर जीरो है तो वाई की वैल्यू फोर हो जाएगी, यहाँ कट गया और ये डाउनवर्ड हो गया ग्राफ क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है और वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स आपने कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या किया बेटा मॉड एक्स है, ये ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है। इसके बीच में आपको क्या करना है बेटा कि आपको एक सर्कल फॉर्म करनी है विच टच द कर्व एंड द लाइंस, इनको इस लाइन को भी टच करता है और कर्व को भी टच करता है, तो कर्व को टच करने का मतलब बेटा आपके पास कुछ इस टाइप की कंडीशन हम बना के देख लेते हैं, सर्कल और कर्व को टच कर रहा है, कुछ स्टेप्स हमने ले लिए बेटा, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। अब मुझे इस सर्कल के रेडियस के बारे में बात करें तो ये रेडियस मुझे नहीं पता है कि इसकी रेडियस क्या है, ठीक है, अब इसने यहां पे टच किया, अगर हम मान लें इसकी रेडियस आर है, क्या बेटा इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ध्यान सुनिएगा, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी बेटा इस पॉइंट की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, ये जो पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है तो ए पॉइंट को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा फोर माइनस का आर जीरो कामा फोर माइनस का आर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस कंप्लीट फोर है, आर को कम कर लिया तो फोर माइनस का आर हो गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास जीरो कामा फोर माइनस का आर। अब बात आ रही है कि अगर हम यहाँ से इस परपेंडिकुलर की लेंथ ड्रॉ करें तो वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए ना बेटा, तो अगर हम इस आइडिया को लगाते हैं तो काम बन जाना चाहिए, ठीक है, तो अब देखते हैं अगर ए पॉइंट से हमने इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लाइन है बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो लेंथ आप परपेंडिकुलर निकालते बेटा
और उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, रेडियस की इक्वल होना चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू है आपके पास पॉइंट क्या बेटा, 0.4 - 7। हमने 0.4 - 7 यहाँ पे पुट किया, तो 0 - 4 - r हो गया, ठीक है ना, डिवाइड बाई एक्स एंड वाई का कॉफिशेंट बेटा, तो √2 आ जाएगा। अब आप इसे कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आएगा बेटा 2r² इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर किया बेटा तो यहाँ पे आ गया 16 + r² - 8r हो जाएगा आपके पास, तो r² तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा r² + 8r - 16 इज इक्वल टू 0। और जिस टाइप का आपका आंसर है उस टाइप से एक चीज़ समझ में आती है कि आपको r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 8 + √20 का मतलब कितना होगा बेटा 64 माइनस माइनस के क्या है बेटा 4ac, तो 20 का माइनस 4ac का मतलब हो गया 64, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 2a तो ये हो गया 2, तो वैल्यू आ गया बेटा माइनस का 8 और प्लस माइनस 64, तो 64 कॉमन लिया तो बेटा 8 आ गया और इन रूट ऑफ आ गया आपके पास 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 तो 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो अगर 2 हमने कॉमन ले लिया है तो वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 4 + √2 आ जानी चाहिए, या मतलब 4 कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 + √2 आ जाएगी, या √2 - 1 आ जाएगी 4, तो 4 √2 - 1 आपको ये दिख रहा है, नेगेटिव ले नहीं सकते बेटा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और सिस्टम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए हमारा ये आंसर वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, जिस समय एग्जाम में आया था तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था उस समय के हिसाब से, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, कि ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक्स एंड वाई इक्वेशन दी गई बेटा, और एक्स एंड वाई एक्सिस दे रखी है, और इक्वेशन अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दी गई बेटा y² = 4ax दिया गया है, और दूसरी इक्वेशन दी गई बेटा x² = 4ab दी गई है, 4by, इसका मतलब है पैराबोला आपका कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, एक तो पैराबोला ये हो गया और दूसरा पैराबोला ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है बेटा कॉमन टेंजेंट की, तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन टच बॉथ द पैराबोला। अब बॉथ द पैराबोला कैसा मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट आप कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है बेटा, और इसकी जो इक्वेशन आपको डायरेक्ट अगर आपको याद है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, x(a^3) होती है, प्लस y(b^1/3) होती है, प्लस a(b^2/3) होती है, और इज इक्वल टू होता है 0, जहाँ पे a और b की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी जाती है। अगर आपको ये कंडीशन पता है बेटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखेगा ध्यान से कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो y² = 4x दिया गया, इसका मतलब है a = आपको 1 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया x² = -32y दिया गया है, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू बेटा वो माइनस का 8 दे दी गई है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सिट्यूट करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है, देखिएगा x^x (a^1/3) मतलब 1 हो जाएगा बेटा, प्लस y (b^1/3) मतलब -8 का क्यूब रूट आपको निकालना है, प्लस a(b) मतलब बेटा -8^2/3 निकालना है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी बेटा x - 2y, और यहाँ अगर देखेंगे तो इसका 2 होगा बेटा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2y की वैल्यू आ गई बेटा x प्लस का 4 आ गई है, और y की वैल्यू अगर देखें तो 1/2 x + 2 आ गई, मतलब इसका स्लोप जो है बेटा इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज आपको करना क्या होता है बेटा, आप किसी भी एक इक्वेशन की टेंजेंट निकालते हैं, और टेंजेंट लाइन जो होती है बेटा इस पैराबोला को टच करती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और m निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सब्सटीट्यूट करना होता है, तो ये एक्चुअली एक बेसिक तरीका है जिसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिजल्ट को आप याद रखिए, क्योंकि रिजल्ट याद रखना भी बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो चीज़ें कुछ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है जिसे आपको याद रखना है, और क्वेश्चन बहुत ईजिली आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन
चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की, और क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्शन था बेटा, यहाँ पे 6x नहीं है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, वाई माइनस का 6 दिया हुआ है। तो इक्वेशन जो दी गई बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी गई वाई माइनस का 6 दिया गया है, और यहाँ पे क्या करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन तो आपको पता ही है कि एक्स एक्स वन इज इक्वल टू होता है वाई प्लस का वाई वन बाई टू माइनस का 6 हो जाएगा, और पॉइंट आपको दिए गए बेटा, तो पॉइंट हो गया बेटा एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई प्लस का 7 डिवाइड बाई टू माइनस का 6। कैलकुलेट कर देते बेटा, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा वाई प्लस 7 माइनस का 12। सो वाई इज इक्वल टू अगर देखें तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, वाई इज इक्वल टू आपको मिल गया 2x और प्लस का 5 मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच टच द सर्कल। अब ये सर्कल को टच कर रहा है तो बेटा हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करनी है। तो अगर इसने टच किया है तो ऑब्वियसली बात है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 2x प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस 16x हो गया प्लस 12 वाई की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2x प्लस 5 लिखेंगे, और प्लस आपको क्या लिखना बेटा सी। अब यहाँ पे सी तो एक अजीब सी कंडीशन हो जाएगी कि सी की वैल्यू को कैसे निकालना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी बेटा, ठीक है ना। तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जब अगर ये टच कर रहा है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, रेडियस के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ को समझेंगे। इसे टच किया, सेंटर हो गया बेटा आपके पास -8 कमा माइनस का 6, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है लाइन पर। तो लाइन की इक्वेशन होगी बेटा हमारे पास 2x प्लस का माइनस का y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू अगर देख लें बेटा हमने यहाँ पे है, तो रेडियस क्या आएगा, इन रूट ऑफ रेडियस देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस f का इसका मतलब 36 और माइनस c इज इक्वल टू आना चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 8 से माइनस 16 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर का रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 100 माइनस सी आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू आ गया माइनस 10 प्लस 5 मतलब माइनस 5 मतलब ये वैल्यू क्या आ गया बेटा माइनस का रूट 5 मतलब रूट 5 लिख लिया, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बॉथ साइड तो 100 माइनस सी इज इक्वल टू आ गया 5, सो सी इज इक्वल टू बेटा वैल्यू आ गई 95। तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा 95, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का आ गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस आ जाएगा आपके पास 20x प्लस 16x प्लस 12y का है बेटा, तो 24x हो गया प्लस 60 हो जाएगा और प्लस 95 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा 5x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर 20 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 20 मतलब 60x हो जाएगा बेटा, और प्लस अगर देखें 25 और प्लस का 95 का मतलब ये हो गया बेटा 25 प्लस 95 120 प्लस का 60 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का जाएगा 12x प्लस 5 कॉमन लिया तो बेटा 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब बात करेंगे कि यहाँ पे इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, क्योंकि 36 आ गया बेटा, तो 6 से हो जाना चाहिए, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर है बेटा ये इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई माइनस का 6। x अगर माइनस का 6 आ चुका है तो x माइनस 6 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 माइनस का 7 आ जाएगी, तो माइनस 6 माइनस 7, तो हमारे पास d ऑप्शन आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये तरीका है बेटा, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4 टू द पैराबोला। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बेटा। अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 4x दिया गया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करें तो वाई इक्वल टू आपको पता है वाई इक्वल टू mx प्लस का क्या होता है बेटा a बाई एम होता है, और a की वैल्यू आपको 1 दी गई है तो a की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा 1 लगा दिया। कहाँ से पास होता है बेटा,
ये पास हो रहा फोर कामा वन कामा फोर से, तो ये हो गया फोर, एम की वैल्यू बेटा वन हो गई और प्लस का आ गया वन बाई एम। अब एम की वैल्यू देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये जाएगा फोर एम इज इक्वल टू आएगा एम स्क्वायर प्लस वन, सो एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन इज इक्वल टू जाना चाहिए जीरो। अब हमें करना क्या बेटा, यहाँ से m की क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा निकाल देते हैं। सबसे आसान तरीका बेटा टेन थीटा, इसके रूट्स दो होंगे बेटा m1 और m2, और इसका सम कितना हो गया बेटा फोर हो गया। अब प्रोडक्ट अगर देख लिया जाए तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू बेटा क्या की वन आ गई। अब टेन थीटा का मतलब जो होता है इसके बीच का एंगल होता है बेटा, होता है एम वन और प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स एम वन एम टू। और ये तरीका आपने बहुत बार किया हुआ है इसलिए इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। और वन प्लस का क्या होता है एम वन एम टू होता है, अगर आपने इस कंडीशन को अप्लाई कर लिया तो क्या आएगा सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस का फोर मतलब ट्वेल्व, और ट्वेल्व का मतलब हो गया टू रूट थ्री आ गया डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू का मतलब हो गया टू, मतलब वैल्यू आ गया बेटा रूट थ्री, और रूट थ्री का केस जो होता है वो बेटा पाई बाई थ्री का होता है। तो ये आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन बेटा देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया बेटा, वाई इज इक्वल टू क्या अप्लाई किया एम एक्स प्लस का ए बाई एम। तो कभी भी एंगल निकालने की जो कंडीशन होती वो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने कि आपको एंगल कैसे निकालना है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं कि एक फोकल कॉर्ड है बेटा इसकी और टेंजेंट है इस इक्वेशन की, एंड देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड आर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ इस टाइप की आ रही है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 16x दिया हुआ है, ठीक है 16x दिया गया है, और जो सर्कल दी गई है जिसका सेंटर आपको दिया गया बेटा 6,0 दिया गया है, ये सर्कल है आपकी, ठीक ना। इस सर्कल पे आपको क्या करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि फोकस से पास हो रही है, समझिएगा बेटा ये फोकस है, और फोकस की वजह क्या होगी बेटा 4,0 होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है बेटा, और इस टेंजेंट की स्लोप के बारे में बात करें तो ये टेंजेंट हमने निकालना है और ये थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो टेंजेंट एक ऐसी हो सकती है और टेंजेंट एक ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो एंगल आपका यहाँ बन रहा होगा पॉजिटिव में वही एंगल आपको यहाँ पे निगेटिव में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा, हम क्या कर लेते हैं कि इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बेटा, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या बेटा रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और आपको ये जो पॉइंट एस है और इसे मान लीजिए सी है, तो एस सी की वैल्यू क्या बेटा, एस और सी की जो वैल्यू है वो एस सी की वैल्यू दीजिए बेटा टू, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो आपने अगर निकालना हो तो साइन थीटा निकाल दीजिए, बहुत आसान है। साइन थीटा मतलब क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गया आपका रूट टू और हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन बाई रूट टू, इसका मतलब क्या हो गया थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और थीटा अगर यहाँ पे 45 डिग्री तो ऑब्वियस बात यहाँ पे क्या होगा -45 डिग्री, और जैसे ही अगर 45 डिग्री आ गया है तो स्लोप क्या होना चाहिए बेटा वन एंड माइनस वन होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत अच्छे से समझना है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है जब पैसेज टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से इन चीज़ों को देखना है पहले। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं बेटा कि लेट ए आर एस टी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए हुए, लेट पी क्यू आर और एस ये फोर पॉइंट्स दिए गए हैं, बी डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक ना। एक पैराबोला दिया गया है और उसके बहुत डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए बेटा, हम लोग इनको बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्स हो गया बेटा, ये वाई हो गया और ये पैराबोला हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसने ये कहा है कि सपोज दैट पी क्यू इज द फोकल कॉर्ड, तो पी दिया बेटा क्यू दिया नहीं है, तो हमने पी को पॉइंट को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, पी पॉइंट हो गया बेटा 80 स्क्वायर और 280 हो गया, ठीक है ना। और क्यू पॉइंट इज अ फोकल कॉर्ड, क्यू क्या बेटा फोकल कॉर्ड है, तो अब क्यू का एंड पॉइंट जो होगा वो तो बहुत सिंपल सा बेटा ए बाई टी स्क्वायर होता है और माइनस का 2a/2 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद कहा गया है सपोज दैट पी क्यू इज फोकल कॉर्ड एंड द लाइन क्यू आर, क्यू आर आर पॉइंट अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे असाइन कर लिया है, आर पॉइंट क्या हो गया बेटा ए आर स्क्वायर एंड 2ar दिया गया, ठीक है ना।
क्यू आर, इसके बारे में बात की जा रही है, ये क्यू आर जो है, क्यू आर ठीक है ना, दिस लाइन एंड पी के आर पैरेलल। अब के सोचना पड़ेगा, तो के का पॉइंट देगा टू ए कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट तो ए कॉमा जीरो है, इधर हमने ड्रॉ कर दिया बेटा टू ए कॉमा जीरो, ये टू ए कॉमा जीरो हो गया और ये के पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे पी के, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, अगर पैरेलल है देन द वैल्यू ऑफ आर, आपसे पूछा क्या बेटा आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एक काम कर लेते बेटा, बहुत सिंपल सा केस है कि हम क्यू आर का स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ क्यू आर, समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से, स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू आ जाना चाहिए स्लोप ऑफ पी क्यू, पी के, ठीक है। अब क्यू आर का अगर स्लोप निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का बेटा, क्यू आर का स्लोप निकालते तो देखिएगा ध्यान से, टू ए आर और प्लस का टू ए अपॉन टी, टू ए अपॉन टी डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा, ए आर स्क्वायर एक्स टू माइनस का एक्स वन कर लेते बेटा, ए अपॉन टी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी के, तो दिस माइनस दिस कर लेते तो टू ए टी आ गया और डिवाइड बाई आ जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस का टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ध्यान रखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालते बेटा, तो सिंपल सा है यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर ध्यान रखेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा, आर प्लस का वन बाई टी हो गया और डिवाइड बाई, अगर हमने यहाँ से ए कॉमन निकाल दिया तो ध्यान से देखेंगे तो आर माइनस का वन बाई टी है बेटा यहाँ पे, और यह होगा आर प्लस का वन बाई टी हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ से तो टू ए टी हो गया डिवाइड बाई, अगर हमने ए कॉमन निकाल दिया बेटा तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस का टू आ गया। अब चीज़ों को कैंसिल आउट करते बेटा, देखिए कैंसिल आउट करते, कैंसिल आउट करते थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टू ए आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया बेटा, बच गया यहाँ पर वन अपॉन आर माइनस का वन बाई टी हो गया, इज इक्वल टू देखा जाए तो टी बाई टी स्क्वायर माइनस का टू आ गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा बेटा आर माइनस का वन बाई टी इज इक्वल टू, अगर रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टी मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टू डिवाइड बाई टी हो जाएगा। ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, तो आर की जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, आर की वैल्यू मिलेगी आपको टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी मिल जाएगा, क्योंकि माइनस टू और ये प्लस का वन हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आपके पास एक्चुअल में आ जाएगी और ये ऑप्शन हमारा डी मैच कर जाएगा, ठीक है। तरीका समझ में आया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, दोनों का स्लोप हमने सॉल्व कर लिया और हमें मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, इफ एस टी इज इक्वल टू वन, एस टी, एस की वैल्यू यहाँ पे कहीं मान लेते बेटा एस एक पॉइंट है, एस पॉइंट क्या हो गया बेटा ए एस स्क्वायर और टू ए एस ऑलरेडी गिवन है, देन द टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड द नॉर्मल एट एस, पी का टेंजेंट समझिए बेटा, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट पर एस पर हमने क्या किया बेटा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को, और जहां कट कर रहे बेटा यहां का ऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है ऑर्डिनेट, तो सिंपल सा काम बेटा ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, ए टी स्क्वायर पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम लोग इसके लिए टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पी पॉइंट, पी पॉइंट क्या बेटा ए टी स्क्वायर और टू ए टी दिया गया है, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो आती है वाई टी इज इक्वल टू आता है बेटा एक्स प्लस का ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एस पॉइंट जो दिया गया बेटा ए एस स्क्वायर और कॉमा टू ए एस दिया गया, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल के बारे में बात करें, नॉर्मल तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए वाई इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस का एक्स इंटू एस प्लस टू ए एस हो जाएगा बेटा और प्लस ए एस क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना बेटा आपको टी के फॉर्म में क्या लिखते थे बेटा वाई इज इक्वल टू लिखते थे माइनस का एक्स टी प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब, ये याद होगा आपको। तो बस टी की जगह क्या करना है एस कर देना है, हमें ऑर्डिनेट निकालना बेटा मतलब वाई पे फोकस करना है। तो वाई के अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कर्व है, दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन, तो लाइनों का इंटरसेक्शन निकालना बेटा। तो वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस का एक्स, अगर देखें तो एक्स क्यूब दो है बेटा यहाँ पे वाई टी माइनस ए टी स्क्वायर दिया गया इंटू एस दिया गया है प्लस टू ए एस हो गया
प्लस ए एस क्यूब हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा वाई इज इक्वल टू आएगी, ध्यान से देखेंगे तो वाई टी एस हो जाएगा, माइनस का वाई टी एस हो गया, प्लस का ए टी स्क्वायर इंटू एस हो गया, प्लस का टू ए एस हो जाएगा और प्लस ए एस क्यूब हो जाएगा। वाई टी एस क्यूब बेटा वन है तो यहाँ पे आ जाएगा टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो टी एस क्यूब वन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा ए टी हो जाएगा और प्लस टू ए एस का जगह हम वन बाई टी लगा सकते हैं, प्लस का ए बाई टी क्यूब लगा सकते हैं, बिकॉज हमारा आंसर जो आ रहा बेटा वो टी के फॉर्म में आ रहा। आंसर किस फॉर्म में आ रहा बेटा, ध्यान से देखिएगा आंसर किस फॉर्म में आ रहा, टी के फॉर्म में आ रहा, एस की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो हमने हटा दिया इसे। अब देखते हैं ए कॉमन ले लीजिए बेटा और इसका एलसीएम लेते हैं टी क्यूब, टी क्यूब दिया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा टी पावर फोर हो गया, प्लस का ट्वाइस टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए कॉमन हो चुका तो यहाँ पर आ गया वन, मीन्स वैल्यू जो आ गया बेटा ए बाई ट्वाइस टी क्यूब हो गया अगर हम देखें वाई की वैल्यू के लिए, और ये जो वैल्यू है बेटा ये टी स्क्वायर प्लस का वन होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर ऑर्डिनेट मालूम हो गया तो हम लोग इसके ऑप्शन को चेक कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन जो आ रहा था वो बेटा ये ऑप्शन आ रहा है बी सेक्शन, ठीक है। तरीका समझ में आ गया बेटा, तो अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन 18 हो चुका है बेटा, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर में दिया गया है इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज एट 1.4 देन द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या कि आपको एक फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट दिया गया, ये फोकस मान लेते हैं बेटा, ये फोकस आपको जो दिया गया है वो बेटा क्या है 4.0 दिया गया है, वन एंड आपको 1.4 दिया गया है, वन एंड क्या है बेटा 1.4 है, तो अगर 1.4 है इसका मतलब बेटा 80² 280 की वैल्यू दी गई बेटा 1.4, ठीक है। अब ए आपको मालूम है, ए की वैल्यू क्या बेटा 4 है, मतलब 4t² की वैल्यू क्या दी गई 1 दी गई, मतलब t की वैल्यू है प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू को अगर 4 पुट किया जाए तो 80 की वैल्यू दी गई 4, तो इसका मतलब t की वैल्यू 1/2, तो एक्चुअल में t की वैल्यू क्या बेटा 1/2 है। अगर आपको ये पता है तो ये पॉइंट जो होता है बेटा आपको मालूम है ए बाई टी स्क्वायर होता है और माइनस का 2a/t होता है, आसान है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, ए की वैल्यू 4 है, 4/t² अगर टी स्क्वायर करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा कॉमा, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस का 4 है बेटा तो यहाँ पे माइनस का 8 हो गया, इंटू में क्या हो गया 1/2 मतलब का 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16 एंड माइनस का 16, ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा बेटा आपके पास। और उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी बेटा, लेंथ ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला करना है, तो सिंपल सा लेंथ ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 1 - 16 मतलब 15² हो जाएगा, प्लस 16 और 4 मतलब का 20² बेटा, तो क्या क्या 225 हो गया और प्लस का 400 हो गया, रूट अंडर मतलब 625, तो इसका मतलब कितना है बेटा 25 आ जाएगा, तो सिंपल सा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगी, आसान है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस हैविंग इक्वेशन दिस, अब देखिए बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने बेटा पैराबोला हैविंग इक्वेशन दिस, अब ये इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। अब इस इक्वेशन ने इस पैराबोला को कट किया होगा और हमें उसकी लेंथ के बारे में बात करनी है, ठीक है, कैसे करना होगा देखें। तो अब आपके पास इक्वेशन जो दी गई बेटा वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन दी गई है, x² = आपको दिया गया 4y, अब इसको एक लाइन कट कर दीजिए, ये लाइन कट कर दीजिए, मान लेते कुछ इस टाइप से लाइन कट कर दीजिए, पॉजिटिव होता तो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर देते हैं, इसने कट किया, कट किया तो दो पॉइंट पे कट किया, अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो सकता है बेटा, सिंपल सा है कि हम y की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लें और x के पॉइंट निकाल लें, ठीक है। तो आप बस कॉर्ड के लिए जो वैल्यू दी गई बेटा ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू जो दिया गया है वो रूट टू अगर कॉमन ले लिया जाए, ध्यान से देखें रूट टू कॉमन ले लिया जाए तो y और माइनस का 4 हो जाएगा, और एक काम करते हैं x को ही रिप्लेस कर देते हैं, आसान रहेगा। तो ये अगर 2 times बेटा और y² प्लस का 16 और माइनस का 8y हो गया इज इक्वल टू आ गया बेटा 4y, मतलब 2 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब y² माइनस का अगर ट्रांसफर करें तो माइनस का 10y और प्लस का आ गया बेटा 16 इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो बेटा y माइनस का 8 होगा और y माइनस का 2 हो जाएगा। तो y की वजह आपके पास आ गई 2 और 8, मतलब दो पॉइंट आ गए बेटा 2 और 8। अगर y की वजह 2 है तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पुट करने पर माइनस का 2√2 आ जाएगा। एंड दूसरा अगर हमने 8 पुट कर दिया तो यहाँ पे 4√2 आ जाएगा, एंड 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट्स जो आ गए आपके पास, पॉइंट्स आ गए बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2√2 आ गई व्हेन x की y की वैल्यू 2 है, और दूसरा पॉइंट है 4√2 व्हेन y इज इक्वल टू क्या बेटा 8 है। अब इसके पीछे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना, इसलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हम इससे इससे माइनस करेंगे तो बेटा 6√2 हो जाएगा, और 6√2 का मतलब हो जाएगा बेटा 72, क्योंकि स्क्वायर करना होगा, और 8 माइनस 2 मतलब 6, 36 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ 108 आ जाएगी। अब 108 को हमें रूट से बाहर निकालना है तो 36, तो 6√3 आ जाना चाहिए, तो ये हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, टेंजेंट नहीं बेटा, हैज द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दी गई है, एंड द मिड पॉइंट एच कॉमा के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एच एंड अ के, ठीक है। अभी देखिए बेटा क्या हो रहा है कि इसने पैराबोला को कट किया, ध्यान से सुनिएगा, इसने पैराबोला कट किया है, ठीक ना। अब ये कॉर्ड है, अभी टेंजेंट नहीं है। अब टेंजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका तरीका क्या होता है बेटा, कि अगर ये टेंजेंट नहीं है तो क्या होना चाहिए। आपने पढ़ा था बेटा कि अगर हम लोग बात कर रहे थे सी की वैल्यू क्या थी बेटा, ए बाई एम थी, ये कंडीशन थी बेटा टेंजेंट की। अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टच करता है तो ये टेंजेंट होती है, ठीक है ना। इस समय क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम लोगों ने जीरो किया था। अगर ये कट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस चीज़ को हम तुम्हें समझा देते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ठीक है ना। वापस हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी बेटा, ठीक ना। यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट टेंजेंट के बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, तो टेंजेंट की कंडीशन हम लोगों ने बात यहाँ पे की थी, और एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंडीशन है क्या, नहीं यहाँ नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कंडीशन फॉर टेंजेंसी है सी इज इक्वल टू ए बाई एम, यहाँ पर भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था बेटा स्लोप फॉर्म, एक मिनट हम लोग को मिल जाएगा ये यहाँ पे, और ये देखिए बेटा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जीरो किया, ध्यान से देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया था, जीरो किया था। अगर यही कंडीशन बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन होती, तो अगर लेस देन होती, ये लेस होता, अगर ये कंडीशन लेस की होती बेटा, तो ध्यान से देखिएगा ए माइनस एम सी लेस देन जीरो होता, तो इस केस में क्या हो जाना चाहिए बेटा, ए लेस देन एम सी होना चाहिए था, और सी की वैल्यू होनी चाहिए थी ग्रेटर देन ए बाई एम। तो ये कंडीशन आपको अगर पता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वापस आ जाते बेटा वहीं पे, सी ग्रेटर देन क्या आ गया, ए बाई एम आ गया, ठीक है। तो वापस कंडीशन क्या बेटा, सी ग्रेटर देन ए बाई एम हो गई है, एक मिनट। तो यहां पे क्या गया बेटा, सी ग्रेटर देन ए बाई एम हो जानी चाहिए, तो हम उस कंडीशन को चेक कर लेते बेटा, सी की वैल्यू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान से देखिएगा y इज इक्वल टू है माइनस का 2x प्लस का p, तो c की वैल्यू है p, विच इज ग्रेटर देन, a की वैल्यू क्या होगी बेटा, a की वैल्यू है आपके पास 4 है, और डिवाइड बाय m, m की वैल्यू माइनस का 2, मतलब p की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन माइनस का 2 होगी। ये कंडीशन को हो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, p की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन माइनस 2 होगी। अब माइनस 2 से बड़ी होगी तो मतलब सीधा सा है कि ऑब्वियस बात है कि ये तो कंडीशन हो नहीं सकती है, क्योंकि माइनस 2 से ग्रेटर होगा तभी वो कॉर्ड होगा, अदरवाइज वो टेंजेंट हो जाता, ठीक है। ये कंडीशन अगर होगी, अब बात आ रही है कि
एच के इज द मिड पॉइंट, एच के क्या होता है, इसका मिड पॉइंट है, एच के इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब इसने इसे कट किया और एच के क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर इस लाइन ने इसे कट किया बेटा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा तो एक काम करते सेटिस्फाई करा दे बेटा, वाई इज्कल टू माइनस का टू एक्स प्लस का पी है, तो माइनस टू एक्स प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 16x, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए बेटा, होल स्क्वायर अगर हमने ओपन किया तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस का या प्लस का पी स्क्वायर, और माइनस का आएगा बेटा 4px हो जाएगा, माइनस का 16x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर और प्लस माइनस का एक्स कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का 16 माइनस 4p और प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स की क्वाड्रेटिक आ बेटा, तो एक्स की टू वैल्यूज हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें, एक्स वन प्लस का एक्स टू की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी बेटा 16 प्लस 4p डिवाइड बाई 4 आएगी, जिसका मतलब है p प्लस 4 हो जाएगी। मतलब अगर एक्स वन प्लस का एक्स टू बाई टू कर लिया जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, पी प्लस 4 बाई 2 हो जाएगी। और ये वैल्यू बेटा h है क्योंकि मिड पॉइंट है, क्या बेटा ये h है। अगर ये h की वैल्यू हो गई है तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये माइनस टू से बड़ा होगा बेटा, माइनस टू से बड़ा होगा। तो 2h इज इक्वल टू, अगर हम बात करें p प्लस 4, तो अगर ये माइनस टू से बड़ा है तो 2h की जो वैल्यू होगी अगर माइनस टू पुट करें तो माइनस टू से ग्रेटर है बेटा। तो समझते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2h माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो 2h विच इज ग्रेटर देन 2, सो h विच इज ग्रेटर देन 1। एच की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, एच क्या होना चाहिए बेटा, वन से बड़ा होना चाहिए। तो अगर एच वन से बड़ा होना चाहिए तो और पी की वैल्यू, तो ये भी केस नहीं हो सकता बेटा, वन से बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है। बस में हमारे पास ये दो केस बच गए बेटा, पी की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू, तो दोनों केस में एच की वैल्यू, अब कंडीशन बच जाती है के की। अब के को सॉल्व कर लेते बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू आ गया बेटा, ठीक है। अगर हम इसी केस को अगर हम यहाँ पे देखें y की वैल्यू को निकालने के लिए, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, सब्सटीट्यूट किया जाए बेटा, x के तो सब्सटीट्यूट करें तो y के फॉर्म में आ जाएगा, कर लिया जाए आसान हो जाएगा। देखते हैं, हमारे पास आ गया y माइनस का p डिवाइड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू आ गया x आ गया, और सब्सटीट्यूट कर देते बेटा, बहुत ज़्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू गया 16, एक्स की जो वैल्यू हो गई वो y माइनस का p माइनस का 2 हो गया, दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 8y, ठीक है ना, और माइनस का 8y हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 8y और प्लस का 8p, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर प्लस का 8y और माइनस का 8p इज इक्वल टू आ गया 0। सम ऑफ रूट्स देख लेते बेटा, तो वाई वन प्लस का वाई टू की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 8, ठीक है ना, बाई टू करेंगे तो बाई टू का मतलब हो गया माइनस का 4। और ये जो वैल्यू बेटा k है, k की वैल्यू, और k की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 4 आ गया, तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ तो कोई इनइक्वालिटी का केस आया नहीं, p पे डिपेंडेंट नहीं आया, ठीक है ना। तो ये k की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 4 आ गया, तो k की वैल्यू आ गया माइनस का 4, तो k एग्जैक्ट आ गया आपके पास माइनस 4, मतलब आपका b सेक्शन सही हो जाना चाहिए।